Today, we are going to explain the Indian civilization and culture. It is the very first chapter of 12th class prose section. इससे पहले हमने poetry section के पहले chapter Sweetest Love, I Do Not Go की summary, उसकी line by line हिंदी explanation तथा objective question किया था. और आज के इस session में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसे लिखा हुआ है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा. तो आज हम इस चैप्टर का समरी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, और ये समरी मैंने याद करने के पर्पस से नहीं बनाई है. ये समरी मैंने बनाई है इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझने के पर्पस से, यानी इस चैप्टर को याद करने के लिए ये समरी बहुत बड़ी हो जाएगी. मैंने इस समरी को इस तरह से कंपोज किया है कि अगर आप इस समरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल एक एक लाइन प्रोज पढ़ने की फीलिंग होगी, उतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं. पहले हम जानेंगे अबाउट ऑथर, क्योंकि हमें हमारे एग्जामिनेशंस में ऑथर्स के बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सवाल पूछे जाते हैं और हमें उससे अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत कम करना पड़ता है. तो आइए देखते हैं गांधी जी के बारे में. हालांकि बहुत ज्यादा हम इनके बारे में जानते हैं, बचपन से हमने इनके बारे में पढ़ा है, फिर भी आपकी बुक में ऑथर डिटेल्स में गांधी जी के बारे में जो दिया है वो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं. गांधी जी का, जैसा कि हम जानते हैं, पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी. वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869. तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. ही वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन. गांधी जी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि गांधी जी राजनीतिज्ञ की अपेक्षा एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक नेता थे. सत्य और अहिंसा के साथ, अपने नियमों के साथ कभी समझौता नहीं करके उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही पारदर्शी तरीके से जिया था. तो गांधी जी एक राजनीतिज्ञ की अपेक्षा काफी हद तक एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे. ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ वेपन्स. गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ जो आंदोलन किया भारतीय स्वतंत्रता के लिए, उसमें उन्होंने अपने दो हथियार आजमाए. दो हथियारों से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया. एक था ट्रूथ, सच्चाई, सच, और दूसरा था नॉन वायलेंस, अहिंसा. सत्य और अहिंसा को गांधी जी ने अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया अंग्रेजों के विरुद्ध. फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 तक, ही कंप्लीटली, वो पूरी तरह से डोमिनेटेड, छाए रहे फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति से. यानी भारतीय राजनीति पर गांधी जी का वर्चस्व 1915 से 1948 तक रहा. He died at the hand of a fanatic on January 1948. बचपन में हमने पढ़ा था कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु एक कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे के हाथों गोली मारकर हुई. यानी गांधी जी मरे एक कट्टरपंथी के हाथों जनवरी 1948 में. His autobiography, My Experiments with Truth. गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी, अपनी जीवनी खुद लिखी और वो प्रकाशित भी हुई. लोगों ने उसे काफी पसंद भी किया. इवन लोगों को उस जीवनी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जिसका नाम था My Experiments with Truth. हिंदी में कहें तो इसका हिंदी होगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग. तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी के द्वारा लिखी गई, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी. फर्क होता है,
बायोग्राफी में और ऑटोबायोग्राफी में। बायोग्राफी का मतलब होता है कि जीवनी, जीवनी अगर कोई और लिखता है तो वो होता है बायोग्राफी, और जीवनी यदि आप अपनी जीवनी खुद लिख रहे हो तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी खुद लिखी थी, तो ये थी उनकी ऑटोबायोग्राफी। ही वॉज एन एडिटर ऑफ यंग इंडिया, यंग इंडिया के नाम से एक पत्रिका आती थी, उस पत्रिका में गांधी जी ने एडिटर का भी काम किया, संपादक का भी काम किया, अच्छी भूमिका रही उनकी उस एडिटिंग के लिए। समरी है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ ब्रिलियंट एंड रिमार्केबल एसे, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक शानदार एवं असाधारण निबंध है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ ब्रिलियंट एंड रिमार्केबल एसे, एक बहुत ही शानदार और असाधारण एक अद्भुत निबंध है। महात्मा गांधी हैड ब्यूटीफुली नैरेटेड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन दिस एसे। महात्मा गांधी ने बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है सही सलामत जो बुनियाद है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की, उसका इस एसे में। यानी महात्मा गांधी ने इस एसे में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो सही सलामत नींव है, जो सही सलामत बुनियाद है जिसके ऊपर हमारी ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति टिकी हुई है, जिस कारण से दुनिया की सारी सभ्यताएं इसके सामने बनी, लेकिन समय के साथ साथ उन सभ्यताओं का पतन हो गया, वो सभ्यताएं नष्ट हो गईं। आखिर क्या खासियत थी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जिसके चलते ये आज भी कायम है, आज भी सही सलामत है, इस चीज की चर्चा महात्मा गांधी ने इस समरी में की है। ही कंपेयर्ड, उन्होंने तुलना किया है आवर एनिशियंट सिविलाइजेशन, हमारी प्राचीन सभ्यता का, विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के साथ। देखिए, हमारी जो सभ्यता है भारत की सभ्यता, उसे दुनिया जानती है ईस्ट की सभ्यता से। ईस्ट मतलब कि पूर्व, यानी हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, इसे हम ईस्ट की सभ्यता कहते हैं, ईस्ट सिविलाइजेशन कहते हैं, ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन हमारे बाद में जैसे यूरोप की सभ्यता है, यूरोप की सभ्यता को हम वेस्ट की सभ्यता कहते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। तो जहां अगर बात करते हैं हम ईस्टर्न सिविलाइजेशन की, इसका मतलब कि हम बात कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन की, और जहां हम बात करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, इसका मतलब होता है कि हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के सिविलाइजेशन की। तो ही कंपेयर्ड आवर एनिशियंट सिविलाइजेशन, उन्होंने हमारे प्राचीन सभ्यता की तुलना की है विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के साथ, यूरोप की सभ्यता के साथ, एंड फाइनली प्रूव दैट आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ग्रेटर एंड बेटर देन एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और तुलना करके उन्होंने पाया क्या, तो उन्होंने ये पाया कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है वो ग्रेटर है, ज्यादा महान है, बेटर है, ज्यादा अच्छी भी है, एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी दूसरी सभ्यता से। गांधी जी ने हमारी सभ्यता और संस्कृति की तुलना दुनिया की दूसरी सभ्यता एवं संस्कृति से की है, और अंत में उन्होंने ये पाया, उन्होंने साबित किया कि हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया के किसी दूसरी सभ्यता एवं संस्कृति से कहीं ज्यादा अच्छी है और कहीं ज्यादा महान है। द साउंड फाउंडेशन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी जो सही सलामत नींव है, यहां साउंड का मतलब होता है सही सलामत, जो सही सलामत नींव है, जो सही सलामत बुनियाद है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की, हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, वो सफलतापूर्वक खरी उतरी है द पैसेज ऑफ टाइम, समय के मार्ग पर, समय की यात्रा पर। यानी समय गुजरा है लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की नींवें हिली नहीं है, वो आज भी बिल्कुल खरी उतरी है समय की यात्रा में, समय के परिवर्तन में। समय परिवर्तित हुआ है, दुनिया की दूसरी सभ्यताएं परिवर्तित हुई हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परिवर्तन नहीं हुआ,
और यही इसकी खासियत है। आगे है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति है, ऑफ प्रिविलेज मैटरलिटी, भौतिकता को बढ़ावा देने की। यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, जो यूरोपीय सभ्यता है, जिसकी प्रवृत्ति है, जिसकी आदत है कि वो भौतिकता को बढ़ावा देता है, वस्तुओं को बढ़ावा देता है, कैन नॉट मैच्ड, वो बराबरी नहीं कर सकता द इंडियन सिविलाइजेशन की, भारतीय सभ्यता की, द एलिवेट मोरल बींग, जो मानवता को ऊपर करता है, मानवता को बढ़ावा देता है। यानी बड़ा फर्क है भारतीय सभ्यता में और यूरोपीय सभ्यता में। अंतर यह है कि यूरोपीय सभ्यता विशेष अधिकार देती है भौतिकता पर, लेकिन भारतीय सभ्यता विशेष अधिकार देती है मानवता पर। वो वस्तुओं की खोज कर रहे होते हैं, वस्तुओं को बढ़ावा दे रहे होते हैं, और हम मानवता को बढ़ावा देते हैं। तो शांति की खोज, शांति का दूत कहा जाता है भारत को। तो पश्चिमी सभ्यता, जिसकी प्रवृत्ति रही है वस्तुओं को, भौतिकताओं पर विशेष अधिकार देने की, वो कभी भी बराबरी नहीं कर सकती है भारतीय सभ्यता की, जिसकी आदत रही है, जिसकी शुरू से ये चीज रही है कि वो हमेशा बढ़ावा करता है मानवता की। गांधी जी ऑल्सो हाईलाइटेड देयर सेलियंट फीचर्स। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की कुछ खास विशेष गुणों पर, फीचर्स, विशेष गुणों पर प्रकाश डाला है, उसे हाईलाइट किया है, और उसी के साथ उन्होंने कॉजंड अस, हमें आगाह किया है अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न और यूरोपियन सिविलाइजेशन। यानी जो यूरोपीय सभ्यता की अंधी सीमाएं हैं, मोर एंड मोर, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, यानी यूरोपीय सभ्यता जो लालची सभ्यता है, जिसकी सीमा बिल्कुल अंधी है, जो अपने लालच में न तो प्रकृति के दोहन पर विचार करता है और ना ही संसाधनों के संरक्षण पर। तो पश्चिमी सभ्यता की जो अंधी सीमाएं बनी हुई हैं, उससे गांधी जी ने हमें आगाह किया है कि हम उस तरफ अपना रुख नहीं करें, हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ रहें, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है, ये हमारी जरूरतों को पूरा करती ही है, साथ ही साथ इससे हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहता है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति का निर्माण किया था, जिसने हमारी जरूरतों को भी पूरा किया और साथ ही साथ पर्यावरण को भी संतुलित रखा। टू हिज माइंड, गांधी जी की माने तो सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण की वो कसौटी है, विच पॉइंट्स द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड मोरालिटी, जो इंसान को कर्तव्य और नैतिकता का रास्ता दिखाती है, कर्तव्य का और नैतिकता का रास्ता दिखाती है। गांधी जी की माने तो सभ्यता क्या होती है, सभ्यता है क्या, हम बार बार कह रहे हैं भारतीय सभ्यता, तो सभ्यता क्या है, तो गांधी जी के अनुसार सभ्यता आचरण की एक कसौटी है, जो किसी इंसान को उसके कर्तव्य का, उसके नैतिकता का रास्ता दिखाती है। He says that, वो कहते हैं कि our civilization is the most ancient, हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन है, the strongest, सबसे मजबूत है, and most vital, और सबसे ज्यादा जीवनाधार है, सबसे ज्यादा मार्मिक है in the world, इस दुनिया में। गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो दुनिया में सबसे पुरानी है, सबसे मजबूत है और सबसे ज्यादा मार्मिक है। ये वो सभ्यता है जिसमें जीवन का दर्शन होता है, जिसमें साक्षात जीवन दर्शन दिखाई देता है। ये ऐसी भारतीय सभ्यता है जहां हम सजीवों की पूजा तो करते हैं, साथ साथ निर्जीवों की भी पूजा करते हैं। पत्थर पूजे जाते हैं भारत में, नदियां पूजी जाती हैं, पेड़ों की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है। तो भारत जैसी सभ्यता आपको पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। इट इज स्टिल अलाइव, ये आज भी जीवित है, एंड किकिंग, और अच्छी भली है। वेयर एज, जबकि द सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक, रोम, जापान एंड चाइना आर आइदर डेड और वेस्टर्नाइज्ड, जबकि ग्रीक की सभ्यता, रोम की सभ्यता, जापान की सभ्यता, चीन की सभ्यता या तो मर गई या समय के साथ बदल गई, पश्चिमी हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी जीवित है।
अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय सभ्यता का इतिहास पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें आपको आज भी भारत में देखने को मिलेंगी। जो चीजें आप किताब के पन्नों पर पढ़ते हैं भारतीय सभ्यता के बारे में, मुझे यकीन है कि अगर आप भारत के गांव में जाएं तो वो सारी चीजों का दर्शन आपको हो जाएगा। भारतीय सभ्यता आज भी आपको गांव में देखने को मिलेगी। आगे है, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा मन एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है, हमारा मन एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स, जितना अधिक इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक ये और इच्छा करता है, उतना ही अधिक की ये और इच्छा करता है। गांधी जी कहते हैं कि हमारा मन एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, जिसे जितना ज्यादा मिलता है उसकी इच्छा उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है, एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और उसी लिए हमारा जो मन है वो हमेशा असंतुष्ट रहता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी इच्छा कभी मरती नहीं है। गांधी जी कहते हैं, द मोर वी इंडल्ग इन आवर पैशन, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। गांधी जी का मानना है कि जितना ज्यादा हम आसक्त होते हैं, हम लिप्त रहते हैं, जितना ही ज्यादा हम लिप्त रहते हैं अपनी वासनाओं में, अपनी अभिलाषाओं में, उतनी ही ज्यादा वे बेलगाम हो जाती हैं। यानी अगर आप जितना ज्यादा अपनी मन की करेंगे, आपका मन उतना ही बेलगाम होता चला जाएगा। सो इसलिए वी शुड सेट अ लिमिट, हमें एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए टू आवर इंडल्जेंसेस, अपनी आसक्तियों का, अपनी इच्छाओं पर हमें सीमा लगा देना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि हैप्पीनेस, खुशी इज लार्जली, मोटे तौर पे अ मेंटल कंडीशन होती है, खुशी ज्यादातर मानसिक अवस्था होती है। इंसान कभी भी भौतिकताओं से, वस्तुओं से, धन से, दौलत से कभी खुश नहीं हो सकता, खुशी एक मानसिक अवस्था होती है, इंसान अपने मन से खुश हो सकता है, कभी दुनिया में किसी भी चीज से इंसान खुश नहीं हो सकता। विच डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर वन इज पुअर और रिच, यानी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कोई गरीब है या फिर अमीर है, वह तो एक मानसिक अवस्था है जो निर्भर करती है इंसान के मन पर। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता बेस्ड, आधारित है ऑन द प्रिंसिपल, यानी सिद्धांत पर, हमारी सभ्यता एक सिद्धांत पर आधारित है, और वो सिद्धांत क्या है, तो वो सिद्धांत है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हमारी सभ्यता जियो और जीने दो इस सिद्धांत पर आधारित है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज इट्स मोटो। हमारी सभ्यता का मोटो है, हमारी सभ्यता का जो मेन चीज है वो है कि हम सिंपल लिविंग में विश्वास करते हैं लेकिन हाई थिंकिंग रखते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार, ये हमारे आदर्श हैं। इट्स आइडियल इज रिनोंसिएशन, नॉट एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड मैटेरियलिस्टिक प्लीजर्स एंड कंफर्ट्स। मींस कि भारतीय सभ्यता का ये आदर्श है कि वो धन के संचय में विश्वास नहीं करता है, वो धन के त्याग में विश्वास करता है। इट्स आइडियल इज रिनोंसिएशन, इसका आदर्श है त्याग करना, न कि संचय करना। किसका? तो धन दौलत का, भौतिक सुखों का, आराम का, सुविधाओं का। भारतीय सभ्यता धन दौलत, भौतिक सुख और सुविधाओं के त्याग पर निर्भर करती है, ये त्यागती है इन चीजों को, संचय नहीं करती है उसका। आज भी भारत में एक गरीब तबके के, जो काफी गरीब परिवार हैं, जो अनाज को खरीद के भोजन करते हैं, वे लोग भी भिखारी को अपने द्वारा खरीदे गए अनाज को भिक्षा में देते हैं।
ये भारतीय सभ्यता में है कि भारतीय सभ्यता कभी भी धन दौलत का, भौतिक सुखों का या सुविधाओं का संचय नहीं करती है, ये उसका त्याग करती है। यूनिटी एमिट्स डाइवर्सिटी, विभिन्नता में भी एकता है। एंड कंटिन्यूटी एमिट्स चेंज, और बदलाव में भी स्थिरता है। यही इसकी क्या है तो हॉलमार्क है, शुद्धता की पहचान। यानी भारतीय सभ्यता की शुद्धता की पहचान किससे की जा सकती है, तो भारतीय सभ्यता में अलग अलग जाति को मानने वाले लोग, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग, अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग, अलग अलग धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। हम गुजराती हैं, बिहारी हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, कन्नड़ हैं, कुछ भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक भारतीय हैं। यानी हमारे यहाँ यूनिटी एमिट्स डाइवर्सिटी है, अनेकता में भी एकता है, और कंटिन्यूटी एमिट्स चेंज है, विभिन्नता में भी स्टेबिलिटी है, उसमें भी हम रुके हुए हैं, उसमें भी हम स्थिर हैं। यह हमारे शुद्धता की पहचान है। इट इज सुटेबल, ये उपयुक्त है, ये अनुकूल है टू आवर नीड्स, हमारी जरूरतों के, एंड एनवायरमेंट, और हमारी हमारे पर्यावरण के। हमारा पर्यावरण कैसा रहेगा, किस तरह से हमारी जरूरतें पूरी होंगी, इन दोनों का ख्याल रखते हुए हमारी इंडियन सिविलाइजेशन को बनाया गया है, भारतीय सभ्यता को बनाया गया है। तो हमें किसी और के कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मेनिक ऐसे देशों की सभ्यता को कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता सबसे बेस्ट है, सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे एनिशियंट है। एंड वन थिंग इज मोर दैट इट इज सुटेबल टू आवर नीड्स एंड एनवायरमेंट, ये हमारी जरूरतों को पूरा भी करती है और साथ साथ हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को संतुलित भी रखती है। इसलिए हमें अपनी सभ्यता के साथ उस प्रकार से जुड़े रहना चाहिए जैसे कि गोद में खेलता हुआ बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है। आगे पढ़ते हैं, लास्ट है, कह रहे कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, हु इंजॉय, जो आनंद लेते थे, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वज, हमारे पूर्वज हु इंजॉयड, जो आनंद लेते थे ट्रू होम रूल्स, ट्रू होम रूल्स को आप कह सकते हैं गृहस्थ जीवन। हमारे पूर्वज जिन्होंने गृहस्थ जीवन का आनंद लिया डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, वो कृषि पर निर्भर थे, व्यूड, उनका जो नजरिया था, वो जो देखते थे दैट की लार्ज सिटीज वर ट्रैप, कि जो बड़े बड़े शहर हैं, उनका मानना था कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो ट्रैप हैं, वो जाल हैं, एंड यूजलेस बर्डन, और बेकार के बोझ हैं, जहां मेनी वाइसेस, बहुत सारी बुराइयां वर फ्लोरिशिंग, फल फूल रही हैं, एंड द पुअर वुड बी रॉब्ड, और जहां गरीबों का शोषण हो रहा है बाय द रिच अमीरों के द्वारा। हमारे पूर्वज जिन्होंने गृहस्थ जीवन का आनंद लिया, जो खेती पर निर्भर थे, उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो बेकार के जाल हैं, बेकार के बोझ हैं, और जहां पर बहुत सारी बुराइयां हमेशा फलती फूलती रहती हैं, जहां गरीबों का शोषण अमीरों के द्वारा किया जाता है। गांधी जी प्रेफर्स कहते हैं ज्यादा पसंद करना। गांधी जी ज्यादा पसंद करते हैं सेल्फ रिलियंट, आत्मनिर्भर विलेज लाइफ, ग्रामीण जीवन को। ग्रामीण जीवन कैसा होता है, वो आत्मनिर्भर होता है, किसान खुद पर निर्भर होता है। तो गांधी जी को खुद पर निर्भर ग्रामीण जीवन ज्यादा अच्छा लगता है टू द लाइफ ऑफ बिग टाउन, बड़े शहर के जीवन से, एंड सिटीज, नगरों के, बड़े शहर और नगरों के जीवन से गांधी जी गांव का जो आत्मनिर्भर परिवेश है उसे ज्यादा पसंद करते हैं। फॉर हुम, उनके लिए हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है, मन की एक अवस्था है, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसके लिए आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। खुशियां मानसिक अवस्था होती हैं बिना किसी संघर्ष के। खुशी पाने के लिए आपको कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया में किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इन सारी सुविधाओं के बावजूद भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुशी एक मानसिक अवस्था होती है,
इसलिए लास्ट में वो कहते हैं कि जो ब्लाइंड लिमिटेशन है, जो अंधी सीमाएं हैं ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, पश्चिमी सभ्यता की, वह आत्मघाती हैं और आपकी हत्या खुद कर देंगी। आज के समय में भौतिकता का जो वातावरण बना हुआ है, भौतिकता ही है जिसने इंसान को चोर बनाया, डाकू बनाया, घुसखोर बनाया, इंसान से उसकी इंसानियत छीन ली। ये केवल वस्तुओं को, घर को, गाड़ी को दिखाने के लिए सारे हमारे समाज में ये सारी चीजें आई। तो भौतिकता कभी भी किसी इंसान को खुश नहीं कर सकती। खुशी बहुत हद तक एक मानसिक अवस्था होती है, इसलिए हमें अपने मन से खुश रहना चाहिए। तो ये था इस चैप्टर का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।